गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमॉन स्क्वाड एंड शील्ड। हम लोगों ने पिछली बार जिम लीडर माइलो को हरा दिया था और मैं थोड़ी ट्रेनिंग करने आया था और मेरा वूपर बीच में इवॉल्व होने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को दिखाया जाए। तो वूपर हमारा क्वैगजायर बनने वाला है, क्या बात है। तो हाँ यार, मैं जानता हूँ मेरे को अच्छा वाटर टाइप रखना पड़ेगा। मुझे च्यूटल ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, हालांकि वो वाटर ग्राउंड टाइप है, अच्छी टाइपिंग है, एक्चुअली इसी की टाइपिंग है, इसी की जैसा ही है टाइपिंग एकदम उसकी। पर आई डोंट एक्चुअली लाइक दैट डिज़ाइन टू मच, तो मैं उसको नहीं रख रहा। मैं यहाँ पर शाइनी हंटिंग करने आया था वैसे अपने रोली कोली की, तो फिलहाल तो मुझे शाइनी नहीं मिला ऑफकोर्स, पर मैं इसके एनकाउंटर्स बढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ 20 के पास आसपास एनकाउंटर हो गए थे मेरे, तो जब मेरे 500 एनकाउंटर्स हो जाएंगे मेरे और मैं 500 बार हरा दूंगा इन लोगों को, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे रोली कोली पाने के। तो या गाइस, अभी मैं वापस से जाता हूँ अपने टाउन में, क्या नाम था उसका, कुछ तो भी नाम था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। टर्फील्ड, मैं टर्फील्ड में जाता हूँ फ्लाइंग टैक्सी की मदद से। फ्लाइंग टैक्सी एक्चुअली तो मैं दिखाता नहीं है कुछ भी, बस नीचे एक क्रोविनाइट बना हुआ आता है और एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो हम लोग टर्फील्ड आ चुके हैं और हमें इस बार किधर बढ़ना है यार। ये गेम थोड़ा चौपी सा, मतलब लैगी सा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, आई रियली डोंट नो व्हाई। बट या आज हम लोग को जाना है अगले टाउन में, या अगले क्या कहते हैं रूट पे, रूट नंबर 5 है शायद से। और हम लोग का अगला जिम है वो नेसा का होने वाला है, तो मैंने थोड़ा बहुत यैम्पर को भी ट्रेन कर लिया है। भाई तभी तुम लोगों ने बोला था कि यैम्पर इवॉल्व होता है, पिछली बार मुझे डाउट था कि होता भी है कि नहीं होता, पर तुम लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई होता है। 21 या 25 लेवल कुछ बताई थी तुम लोगों ने, तो या आई एल गेट रेडी फॉर दैट। अभी मैं फिलहाल के रैम्पर को आगे रख लेता हूँ। अगर 21 था तो 21 तो भाई होनी वाला है, अगली लेवल 21 ही है, तो हम लोग को मस्त डॉग टाइप पोकेमॉन देखने को मिल सकता है, आई मीन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन देखने को मिल सकता है। सो गाइज, लेट्स हेड टू द नेक्स्ट टाउन, लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग गुड फॉर अस और समथिंग न्यू फॉर अस नाउ। या रूट 5, तो रूट 5 पे हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ पे मैं कुछ पोकेमॉन ना मिस कर दूँ। ओ, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है इसका, अबे इंटरव्यू करना मुझसे लड़की, अच्छा डबल बैटल, अरे बाप रे, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे भी लोगों को चैन नहीं है, डबल बैटल कर लो तुम पहले मेरे से, हैं हद होती है भाई। चलो ये हमारी एक्चुअली पहली डबल बैटल है, हाँ पहली है शायद से, यार याद नहीं है मेरे को। अच्छा ये तो दोनों अब मेरे पुराने वाले पोकेमॉन ही हैं, और मेरा क्वैगजायर, चलो ठीक है क्वैगजायर को वैसे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बस मुझे यैम्पर को हटाना पड़ेगा। यैम्पर की जगह मैं अगर रबूट को रख लूँ तो फिर आसानी से हार जाएगा क्लिंक, एंड आई विल डू मड शॉट ऑन हीलियोप्टाइल। क्वैगजायर अच्छा पोकेमॉन है यार, मैंने आज तक इससे खेला नहीं कभी, तो थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। जब तक अगला अच्छा पोकेमॉन नहीं पकड़ लेते हम लोग नया पोकेमॉन, तब तक तो इसको यूज़ कर ही लेते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि डायनामैक्स हो सकता है, मतलब डायनामैक्स से मैंने पकड़ा था, डायनामैक्स तो सारे पोकेमॉन ही हो सकते हैं, पर डायनामैक्स से मैंने पकड़ा था ना इसको। ओह नॉइस, क्लिंक भी हार जाएगा अगर एक बार हम लोग मूव मारे तो। ओह बाप रे, ये क्या है, बाइंड कर लिया लगता है इसने। बस बस भैया, समझ गए, हम समझ गए, शाबाश। अच्छा एक ही पोकेमॉन था इनके पास, क्या बात है। हम लोग इसमें जल्दी से फ्लेम चार्ज करते हैं और क्लिंक गया भाड़ में। अच्छा एक्चुअली मेरे यैम्पर को एक अच्छा मूव मिल गया, पिछले बार उसका वो था ना इलेक्ट्रिक टाइप, कोई तो बेकार सा मूव था उसके पास, नगेट करके क्या नाम था उसका, भूल गया यार। उसकी जगह मैंने उसको स्पार्क सिखा दिया है, विच इज़ बेटर, नॉट द बेस्ट यू कैन गेट, बट इट इज़ बेटर। ये लोग पता नहीं किस चीज़ का इंटरव्यू कर रहे हैं। आई लॉस्ट, डज दैट मीन द इंटरव्यू इज रुइंड? ऑफ कोर्स द इंटरव्यू इज रुइंड बॉय। तुम लोग पता नहीं बीच इंटरव्यू में क्यों मेरे से पंगा लेने की सोच रहे थे। ए ये क्या है? ओ वेट ए सेकेंड, क्या सरफेस्ड है क्या? लेट मी सी, ये एक्चुअली फारफेस्ड लग रहा है मुझे, एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन कैंटो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता फारफेस्ड। यप यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इस बैटल के बाद में मैं यार रीस्टार्ट करता हूँ ना निंटेंडो स्विच, क्योंकि थोड़ा मुझे लैगी सा लग रहा है, हो सकता है काफ़ी टाइम से ऑन था। इसको मैं पकड़ने का पूरा ट्राई तो करता हूँ, मुझे जानना है इसका टाइपिंग क्या है, और हो सकता है हमारे टीम के लिए एक अच्छा एडिशन हो। तो या आई एम गोना ट्राई एंड कैच दिस थिंग, बाइटी बाइट। ओके सो डार्क टाइप मूव्स डोंट डू अ लॉट, सो क्या हो सकता है ये? सो दिस गाय माइट बी, नो नो नो, इट कांट बी अ फेरी टाइप पॉसिबली। हाँ
ना नो नो नो, कुछ और ही है। ओ बाप रे, रॉक स्मैश कर रहा, रॉक टाइप है क्या ये बंदा? आर यू सीरियस? नहीं रॉक टाइप नहीं है, वरना स्पार्क नॉट वेरी इफेक्टिव होता। चलो अच्छी बात है, स्पार्क नॉट वेरी इफेक्टिव ही है, अभी मैं इसको पकड़ पाऊंगा आराम से। और आई माइट हैव टू एक्चुअली स्विच माय पोकेमॉन। ओ ये अभी पैरालाइज्ड है, ओके लेट मी ट्राई एक्चुअली कैचिंग दिस थिंग एज इट इज, क्योंकि पैरालाइज्ड है ना तो हमें एक बोनस मिल गया है, क्या पता मिल ही जाए हमें पोकेमॉन। अरे कम ऑन यार, क्या यार, चलो कम से कम पैरालाइज तो है अभी तक। मुझे स्विच करना पड़ेगा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? लेट्स स्विच अ पोकेमॉन एंड लेट्स टेक आउट क्वैगज़ायर मे बी, या लेट्स टेक आउट क्वैगज़ायर, देखते हैं इफ क्वैगज़ायर डज समथिंग। लाइक थोड़ा सा डैमेज कराना है बस, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कराना। कितने लेवल का है वैसे ये? अरे यार मेरे को बहुत सही चीज़ याद आई गाइज, ओके ओके आज मैं करता हूँ यार, मैं हमेशा जॉब पे भेजना भूल जाता हूँ अपने पोकेमॉनों को, तो मैं आज करने ही वाला हूँ, ओके करने ही वाला हूँ। इसमें एक जॉब का फीचर है कि तो अपने पोकन को जॉब पे भेजो और वो एक्सपीरियंस के साथ वापस आता है, तो मैं वो ट्राई करूँगा। प्लीज़ मत मरना, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ मत मरियो प्लीज़। क्या बकवास है ये, क्या किया तूने क्वैगज़ायर, हैं तेरे को इसलिए पाल पोस के बड़ा किया मैंने? ये तू जो मेरे को पकड़ना है उसको मारता फिरे, हैं एक और मेरे को पकड़ना है यार, ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगा मैं यार। सारफिश था यार आखिरकार, ओ एक और नया पोकेमॉन, नहीं ये तो पुराना ही है ना, हाँ ये तो पुराना है, पुराना ये तो पोकन एक्स एंड वाई का है। ओके लेट मी सेव हियर, एक्चुअली मुझे मैंने बोला था मैं अपना निंटेंडो स्विच अभी थोड़ा रीस्टार्ट करके आता हूँ, हल्का सा मेरे को लैगी सा लग रहा है, सो लेट मी सेव हियर एंड आई विल बी बैक गाइस जस्ट इन अ सेकंड। इज दिस बेटर? या दिस लुक्स बेटर टू मी, मतलब अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है यार। वो कहना मेरा काफ़ी टाइम से स्विच ऑन था इसलिए थोड़ा लैग सा हो रहा था, पर कभी कभी करना पड़ता है। ओह नाइस, कुछ है वहाँ पे, पर पहले मैं यहाँ पे यार एक सरफेस्ट, वो सॉरी फारफेस्ट पकड़ना चाहूँगा यार, मुझे मन कर रहा है सरफेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, फारफेस्ट पकड़ने का। आइटम टू बी हेल्ड बाय पोकेमॉन, दिस डिस्कार्डेड कैरापेस एनेबल्स द होल्डर टू स्विच आउट ऑफ बैटल विदाउट फील। यार ये चीज़ तो तब के लिए बहुत अच्छी है जब तुम किसी पोकेमॉन को ट्रेन कर रहे हो और सामने बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन आते हैं हाई लेवल के और तुम स्विच नहीं कर पाते। या दैट इज़ अ प्रीटी कूल थिंग एक्चुअली, तो जब भी मुझे कोई नया पोकेमॉन ट्रेन करना होगा तो मैं बिल्कुल ये ट्राई करूँगा। लेट्स सी वॉच व्हाट पोकेमॉन इज हियर। ओह प्यारा प्यारा नज़लीफ, नाइस। वी डोंट एक्चुअली वॉन्ट अ नज़लीफ राइट नाउ, आई वॉन्ट अ फुली फ्लेश्ड सरफेस्ट, क्योंकि वो सरफेस जो है वो सरफेस क्यों बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली, सॉरी फारफेस्ट जो है वो हमारा पोकेमॉन स्वॉर्ड एक्सक्लूसिव है, तो मैं पोकेमॉन शील्ड में नहीं मिलता फारफेस्ट, तो ट्राई करते हैं उसको पकड़ने का। प्लीज लेट मी गो नज़लीफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके सो आई एम एक्चुअली गोना स्विच आउट राइट नाउ, अगर सरफेस्ट आया तो उसके लिए मैं स्विच आउट कर लेता हूँ। लेवल 21 पे वैसे इवॉल्व नहीं हुआ यहाँ पर, तो 25 बोला होगा तुम लोगों ने शायद से। आई एम गोना वेट हियर फॉर दैट फारफेस्ट, तब तक मैं यहाँ पे नीचे जाके देखता हूँ जरा क्या है। वायर क्या स्टीप हिल है यहाँ पे, ओके मुझे थोड़ा आराम से। अरे बाप रे ये लोग सब मेरे पीछे ही पड़ गए भाई, बुरा पीछे पड़ते हैं ये लोग, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, सब लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरे ऐसे पागल से। ओह वहाँ पे कैंप है किसी का, यहाँ पे हम लोग फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ओह यस ए फारफेस्ट, तो रेको तो मैं पकड़ के ले जाएगा रे, डंडी बढ़िया हुई रे तेरी। आई एम गोना कैच दिस थिंग, कम ऑन क्रॉस स्क्वायर, क्रॉस स्क्वायर, क्रॉस स्क्वायर बोलते हैं इसको, नहीं भी बोलते तो मैं तो बोलूँगा हाँ, का कर लोगे भैया। प्लीज़ प्लग से मरियो मत यार, कम ऑन मैन, रेड पे आ जाएगा पर मरेगा तो नहीं कम से कम। यस ओके भाई प्लीज़, अब कुछ नहीं करने वाला मैं, अब मैं जब तक ट्राई करूँगा जब तक मेरी पोकल ख़त्म नहीं हो जाती, पर मैं उसको मारूँगा नहीं बिल्कुल भी। वेरी गुड बॉय क्रॉवे स्क्वायर, मैंने इसको शायद हाँ लेफ्ट ओवर्स पकड़ाए थे। नॉइस लेफ्ट ओवर्स आर एक्चुअली द बेस्ट आइटम यू कैन गिव अ पोकेमॉन, सच में मतलब बहुत सही चीज़ है। ओके मेरे पास क्या क्या है, ग्रेट बॉल है, चलो ग्रेट बॉल ट्राई करते हैं, तू ग्रेट है बंदा, आ जाते को ग्रेट बॉल से पकड़ते हैं आज हम। प्लीज़ यार अब तो मान जा, दो अरे क्यों आ जा भाई, ब्रूटल स्विंग, अरे बाप रे ये वाला अटैक हम लोग सीख नहीं पा रहे थे, ये इसके पास है यार,
यार ये सही बंदा है, ये डार्क टाइप है यार ये बंदा, मेरे को लग रहा है डार्क टाइप है ये। अच्छा बेटा ये बात है, अब समझ में आई हमें, डार्क टाइप हो रखे हो तुम। नेक्स्ट बॉल फ्रेंड बॉल, फ्रेंड बॉल ट्राई करें क्या? चलो फ्रेंड बॉल ट्राई करते हैं, कम है मेरे पास पर ट्राई कर लेते हैं। क्या पता इसको मेरा दोस्त बनना हो, प्लीज़ भाई दोस्त बन जा मेरा, मेरा दोस्त बहुत कम है प्लीज़। ओह थैंक यू हार्फेश, कितना प्यारा है यार, मेरा दोस्त बनने के लिए पकड़ में आ गया। हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे मैं तो जो बता रहा हूँ, आर फ्रेंडशिप विल बी लाइक नन अदर, आई प्रॉमिस दैट। मैं तुझे कभी फेंट नहीं होने दूंगा फारफेस्ट, मैं प्रॉमिस करता हूँ, और तेरा तो मैं नाम भी रखूंगा क्योंकि तू मेरा प्यारा दोस्त है। इसका नाम मैं रखने वाला हूँ फ्रेडी फ्रॉम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज। फाइव नाइट्स एट फ्रेडी में फ्रेडी तो भाई बियर बेयर होता है, पर फिर भी मैं इसका नाम फ्रेडी रख दे रहा हूँ क्योंकि प्यारा प्यारा फ्लफी फ्लफी सा है। फ्लफी तो एक्चुअली इसको मैं अगर फ्लफी फ्लफी करूँगा तो मेरे को तलवार मार देगा, पर जो भी है मेल मेल फारफेस्ट था तो मैंने इसका नाम फ्रेडी रख दिया है, मेरा प्यारा फ्रेडी। येस वी हैव गॉट न्यू मेम्बर इन अ पार्टी बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी चेक द टाइपिंग बाय द वे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ए वॉट ओके वेट अ सेकेंड बॉयज, हेल्ड आइटम लीक, इफ आई टेक आउट दिस लीक, मतलब अपना जो इसके हाथ में जो तलवार सी देख रहे हो तो, मतलब तलवार नहीं मतलब लीक देख रहे हो तुम लोग, ये एक्चुअली पकड़ा हुआ है उस चीज़ को, अगर मैं इससे ले लूँ वो तो फिर क्या होगा। चलो लेट्स जस्ट डू चेक समरी, फाइटिंग टाइप है ये, वेल दैट्स कूल, हमें एक फाइटिंग टाइप पोकर मिल चुका है गाइस। अब मुझे अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार कि मैं सब सही कर रहा हूँ कि नहीं। मुझे ऑफकोर्स एक ये क्या कहते हैं वाटर टाइप चाहिए, यप फ्लाइंग हो गया मेरे पास, डार्क हो गया मेरे पास, फाइटिंग हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक हो गया, आई मिसिंग अ ग्रास टाइप, या मैं ग्रास टाइप मिस कर रहा हूँ, या दैट वुड बी ग्रेट इफ आई हैव अ ग्रास टाइप एंड अ फेरी टाइप पोकेमॉन। फेरी टाइप अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर मैं शायद थीव्यूअल नाम है ना उसका, उसको हटा दूंगा शायद मैं, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट नेसेसरी टू द टीम। द वन रियली इंपॉर्टेंट टू द टीम इज अ फेरी टाइप पोकेमॉन जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए भाई सच में। ओके आई एम गोना डिफीट दिस क्विक कुक प्रिटी क्विक, एप्लिन ओके, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ इस एप्पल टाइप के पोकेमॉन को, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा है ये, ऑफकोर्स क्या बकवास है यार ये, ठीक है मतलब क्या बोलूँ क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा है एप्पल टाइप का पोकेमॉन होता है मतलब, अब फ्रूट्स भी सही से नहीं खा सकते, क्या पता एप्पल का पोकेमॉन ही निकल जाए सेब खाते टाइम, बाप रे। एवरीथिंग आई न्यू अबाउट वॉज अ लाई, अ कंप्लीट लाई, किसी दिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर क्या पता हेयर पोकेमॉन आ जाए तुम्हारे बाल पे, जो बाल होते हैं वो पोकेमॉन होते हैं, क्या पता, आई डोंट नो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी बाय द वे, माइट बी ट्रू बाय द वे, हो सकता है एक दिन ऐसा, क्योंकि पोकेमॉन वाले हैं ना दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग सच में। बट एप्पल सॉरी बॉय बट दिस इज द लास्ट टाइम आई विल बी सीइंग यू बॉय। इसका ये पता है वैसा लग रहा है अलोला में वो होती है बॉन स्वीट, क्या नाम था उसका, यही बॉन स्वीट ही था शायद, वैसी टाइप की है ये थोड़ी बहुत, वो इतना बुरा भी डिज़ाइन नहीं था, ये कुछ ज़्यादा ही बुरा डिज़ाइन है। नॉइस माय पोकेमॉन आर इवॉल्विंग प्रीटी क्विक, आई मीन लेवलिंग अप प्रीटी क्विक, सॉरी शेफ अंकल बट आपकी कुकिंग और आपके पोकेमॉन दोनों ही बेकार हैं। आई विल बी गोइंग ए ड्रिफ्लू ने यहाँ पे नाइस, मैं शायद बाद में आके लूँ इसको कभी। ओके जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल ही चुका है ये, हाँ मुझे पता है कि ये फेरी टाइप पोकेमॉन है बट आई वांट टू यूज समथिंग न्यू, ओके मुझे कुछ नया ट्राई करना है। और ये क्या है भाई, यहाँ पर तो ट्रेनर है, ये क्या है, हे लड़की नाइस टू सी अ न्यू फेस अराउंड हेयर, दिस इज द पोकेमॉन नर्सरी, ओ माई गुडनेस वी टेक केयर ऑफ पोकेमॉन्स पीपल्स पोकेमॉन हेयर, वेन पीपल लीव टू पोकेमॉन विद अस वी समटाइम्स फाइंड एग्स, ओ तो ये पोकेमॉन नर्सरी इसका नाम रख दिया है, वैसे इसको अपन लोग बुलाते हैं ना, कुछ तो बुलाते थे यार तुमको याद होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आज द ओल्ड लेडी इनसाइड टू टेल यू मोर, डू यू वॉन्ट टू लीव अ पोकेमॉन विद मी, आई'ड लाइक टू लीव अ पोकेमॉन पर अंदर जाने का भी मुझे देखना था कि अंदर क्या हो रहा है। ओके तो मैं तेरे पास पता है किसको लीव करना चाहूँगा, मैं एक्चुअली लीव करना चाहूँगा क्वैग्ज़ायर को, आई डोंट रियली हैव अ यूज़ फॉर हिम राइट नाउ, ठीक है एक क्वैग्ज़ायर को मैं तेरे पास लीव कर, अभी मैं ब्रीडिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अभी बस मुझे लेवलिंग अप के बारे में सोचना है, तो उसके हिसाब से
मैं सोच रहा हूँ कि किसको छोड़ूं मैं यहाँ पे, एंड एंड किसको छोड़ सकता हूँ मैं किसको बाद में यूज़ करना चाहता हूँ मैं वो सोच रहा हूँ। आई थिंक आई एम गोना यूज़ दिस मियाउथ यार। मैं देखना तो चाहता ही हूँ कि इसका एवोल्यूशन कैसे लगता है ना। इसके एवोल्यूशन का नाम भूल गया मैं, सच बता रहा हूँ क्या नाम था उसका, सॉरी यार मैं कभी कभी भूल जाता हूँ सच में। तो चलो इसको रख लेते हैं, मुझे अभी देखना वीडियो के बाद में ही याद आने वाला है कि क्या नाम था उसका, मेरे पूरी वीडियो में वो चलने वाले दिमाग में। इट विल कॉस्ट 1000 पोके डॉलर्स टू लीव। एक सेकेंड, कम ऑन मैन, पैसे तो बाद में दिए जाते हैं ना, स्टार्टिंग से कैसे ले रही है ये। मैं दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे रूल बदल दिए उन्होंने तो। वेल ओके देन, यू कैन ट्रस्ट अस विद बोथ क्वैक्स एंड मियाउथ, आई विल टेक फाइन केयर ऑफ देम। व्हेन यू वांट टू कलेक्ट योर पोकन डू लेट मी नो। वो तो ठीक है पर गलत बात है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। ओए नया पोकेमॉन राइट साइड में देखो पर्पल कलर का, क्या है वो? इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो अबाउट? अभी तो नहीं, मुझे तो नया पोकेमॉन के बारे में जानना है। क्या है ये भाई, मस्त लग रहा है यार, टॉक्स कर रहा है, लगता है वो टॉक्सिक टाइप है भाई। इट्स अ टॉक्सिल, अ रियल टॉक्सिल, आई फाउंड एन एग एंड कैरीड इट अराउंड विद मी एंड हैच्ड इट इनटू अ टॉक्सिल। व्हाई डोंट यू रेज इट? ओह यस, ओह कम ऑन, इट्स अ रियल शॉकिंग पोकेमॉन, थैंक्स यार। भाई मुझे नया पोकेमॉन मिल गया रेस करने के लिए, क्या बात है। अबे सही बताऊं कूल लग रहा है यार ये, काफी इलेक्ट्रिक और पॉइजन टाइप। आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी, दैट्स द बेस्ट टाइपिंग यू कैन फाइंड यार। नहीं नहीं मैं नाम तो नहीं देखने वाला ऑफ कोर्स, बट नाइस मैन, एंड टेक दीज टू, दे विल हेल्प यू योर पोकेमॉन ग्रो इफ यू यूज देम। एक्सपीरियंस कैंडी XS, यू आर अ रियल लेजेंड लेडी, थैंक्स अलॉट यार, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट यार। सच में भाई मतलब लेडी ने कमाल कर दिया, मज़े आ गए। राइट साइड में अभी हम लोग जा सकते हैं, लेट्स सी व्हाट ऑन द राइट साइड। ओ व्हाट, ओई जस्ट हैंड ओवर दैट बाइक ऑलरेडी, वी नीडेड टू क्रॉस दिस लॉन्ग ब्रिज, वी आर गोना यूज दैट बाइक टू चेज अराउंड जिम चैलेंजर्स, इट विल बी अ स्क्रीम, हाउ बारबैरिक, इट वोंट वर्क एनीवे, You don't even have a Rotom with you. Hey, young challenger, you're trying to steal my bike. Please, if you could give them a good thrashing, I would be in your debt. बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल देता हूँ ऐसा। ये बाइक मांग रहे हैं, उसकी Rotom तो है नहीं इनके पास। Oi, we are not trying to steal the bike, only borrow it. You are gonna use it to chase after gym lead challengers and make them all tired. But I'm thinking you deserve a special shout out. I'm gonna crush you in a battle. ओके तो मतलब हर बार ऐसा बोलता तो है, पर लेट्स सी, क्या क्या पता तू म्यूटू को ले आया हो इस बार ज़िगज़गून की जगह। नहीं बिल्कुल नहीं, दैट सेम ओल्ड ज़िगज़गून इन योर टीम, वेल नो प्रॉब्स, लेट्स डिफीट हिम वन मोर टाइम, जिससे इसको थोड़ी अपनी औकात याद आए। औकात भाई क्या वर्ड होता है भाई, अच्छे अच्छों की नानी खड़ी कर देता है, नानी खड़ी कर देता है, सेंस नहीं मना। ओके नानी खड़ी कर देती, या दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर अस, ओके नानी याद दिला देता है इस ओल्ड स्कूल नाउ, ओके नानी खड़ी कर देता है, या ओके इसकी नानी खड़ी करते हैं हम लोग। ए पैक मार मार के ना सुझा दूंगा तेरा गाल, जैसे शिनचैन का कर देती ना उसकी मम्मी, उससे बुरा वाला करूंगा मैं। बेटे रुक जा तू भाई, शिनचैन का तो ऐसा घूमड़ा खड़ा होता है ना भाई, वो मतलब ऐसा लगता है घूमड़ा है पिंपल है भाई, इतने बड़े तो पिंपल नहीं निकलते लोगों को, जितने बड़े उसको घूमड़ा निकल जाता है। एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट शिनचैन इन माय पोकेमॉन गेम, आई डोंट नो मैन, कम ऑन, आई एम ऋषभ, आई कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, क्यू विल। अरे तुम ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे हो, हमारे पास भी है एक, हम निकालेंगे ना, मर जाओगे अभी के अभी। ओ आई हैव अ टॉक्सिल, आई कैन ट्राई दिस थिंग आउट, तो टॉक्सिल को निकालता हूँ, इसको हमें ट्राई भी करना है। 15 लेवल का है क्या ये बस? ओ भाई 7 लेवल का, ओ माय गॉड, आई डिडंट डू अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, मैंने उसको आते से ही मरवा दिया है, ये मैंने अच्छा नहीं किया। ओ माय गॉड फ्रेडी, सॉरी यार मैं तुझे हील नहीं कर पाया था, सॉरी फ्रेडी, मैंने प्रॉमिस दिया फ्रेडी को कि मैं कभी उसको मरवाऊंगा नहीं, कभी उसको फेंट नहीं होने दूंगा, एंड आई प्रॉमिस, और मुझे याद दिलाना ज़रूर से, जो कि मैं भूलूंगा नहीं वैसे तो, पर फिर भी अगर अगर कभी मैंने फ्रेडी को फेंट होने दिया
तो दैट विल बी द एंड ऑफ द सीरीज. यस बॉयज, दैट विल बी द एंड ऑफ द सीरीज. अगर फ्रेडी के सीजन मर गया, सॉरी गाइज, बट दैट विल बी द एंड ऑफ द सीरीज एंड आई विल बी डन विद द चैनल. कम ऑन, फ्रेडी इज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम नाउ ऑन. तो फ्रेडी को बचा के रखो, ठीक है? अगर फ्रेडी गया तो सीरीज गई फिर ये. चलो ये भी गया भाई, गुड वर्क रबूट. तेरे पीठ पर थपकी इसी बार, इसी काम के लिए. नाइस, हमारी टीम अच्छे कर रही है. नाइस नाइस, सिवाय यंपर के सब अच्छा कर रहे हैं. भाई यंपर तू भी कुछ हिला ले भाई, अपना कमर वमर हिला ले. यू क्रश मी, यू क्रश माय अटेम्प्ट टू क्रश यू. Why you? I want that bike. Don't get in my way. अच्छा तू भी अभी आएगा? अरे यार ये भाई, काश इस गेम में फास्ट फॉरवर्ड बटन होता ना तो मज़ा आ जाता. और ये हमने इसकी मस्त तरीके से नानी खड़ी कर दी भाई. अरे कैसी लगी? अच्छी लगी का? अरे हम तो बढ़िया ही मारते हैं. अरे यहाँ पर इवॉल्व हो जाएंगे क्या? अभी 22 पे तो नहीं होता, तो 25 पे होगा. यार हम क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, चिंता काहे की. यू आर सो स्ट्रॉन्ग चैलेंजर, यू आर गोना कॉज प्रॉब्लम्स फॉर. ये मैंने कैसे बोला था पहले? ऐसे बोला था क्या? नहीं ये भी नहीं बोला था. जो भी है भाई, यू गोना कॉज प्रॉब्लम्स फॉर आर ओल्ड लेडी, फॉर आर लेडी, सॉरी. इसकी लेडी वो है ना, मारनी की बात कर रहे हैं ना लोग. यू हैवंट सीन द लास्ट ऑफ अस. मैं सच में भूल गया कैसे बोला था मैंने. यू आर गोना मेक श्योर यू स्टे आउट ऑफ आर लेडीज वे. वो मेरी दोस्त है भाई, तो मैं तो कुछ करने नहीं वाला. My word, you are quite the trainer. And I see you have pocket extra. That means you have Rotom with you. हाँ है तो सही. अब तू क्या छीनेगा क्या मेरे से? Fantastic. I think I'll give you this bike. Oh my goodness. Okay, come on, man. मैं तो starting first episode से ढूंढ रहा हूँ मेरी बाइक कहाँ है. और ये हमें बाइक देने वाला है. नाइस. But you have it then, Team Yell. Now you know the Rotom love motors, right? पता तो है मुझे. Enough to jump right into machines that have motors. So that got me thinking, if I attached a motor to a bicycle, that maybe I could get Rotom to pop into that as well. I see. Come now, give it a shot. Enjoy cycling together with Rotom to the fullest. Chop, chop, chop. You and Rotom ride that bicycle together. Thanks. Rotom bike mil gayi hamein. Kya baat hai? That the bike can be combined with Rotom, Pokemon Rotom to use a turbo boost. I'll read the manual. Press the button I or minus to ride the bicycle with Rotom. Let's get cycling. Okay, तो अगर मैं plus दबाऊँगा. Oh, nice. Oh, now that's something. Oh, हट जाओ, हम आ रहे हैं. ओ ये क्या है? यहाँ पे कुछ था, I swear. Okay, ये रहा. हट जाओ, हम आ रहे हैं. ओ ये तो मेरे को देख भी नहीं पाई. ये क्या था? ये कैसी आवाज़ आई अभी? ये चार्ज जो रहता है ना, थोड़ी देर के लिए रहता है शायद से, फिर ये रिचार्ज होती है बाइक. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दोस टीम येल ग्रून्स? आई कैन अंडरस्टैंड वेटिंग टू चीयर समवन ऑन, बट वांटिंग टू चीयर समवन ऑन, बट दे कॉज सो मच ट्रबल इन द प्रोसेस. हार्डली अ डिसेंट वे फॉर फैंस टू बिहेव. बिल्कुल सही बात है. ओके, मुझे कुछ देखना तो नहीं था पीछे. आई डोंट थिंक मुझे देखना था. अरे नीचे वैसे वाइल्ड एरिया यार, यहाँ पे भी एक और हिडन आइटम है. हेल्थ फेदर, एन आइटम फॉर पोकन टू यूज. ओके नाइस, नाइस इन्फॉर्मेशन. एंड आई रेड इट कम्प्लीटली. दैट बिग बिल्डिंग यू सी इन द डिस्टेंस इज हैमर लॉक स्टेडियम. ओके, यू आर गोइंग टू बैटल देयर टू. ओ नाइस, थैंक्स फॉर टेलिंग मी. यहाँ पे भी हिडन आइटम है. क्लेवर फेदर, थैंक यू. यार होप तू रुक जाना, मैं बाइसाइकिल चला रहा था यार इतने मजे से. देर यू आर ऋषभ, आई एम वार्निंग यू दो, एनी क्लोजर देन दैट एंड वी आर गोना हैव टू हैव अ बैटल, यू एंड मी. अच्छा चल ठीक है, मैं ही डर गया, मैं नहीं आने वाला तेरे पास. ठीक है, अभी यहाँ पे एक हिडन आइटम था, पहले मैं वो ढूंढूंगा. तेरे पचकानी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. ये रहा रेजिस्ट फेदर, डिफेंस पॉइंट्स बढ़ाता है. जब तक मैं उधर आऊँ हट जाना चाहिए तो, वरना सही में हरा दूंगा मैं तेरे को. ठीक है, एक दो और तीन. ए अभी तक खड़ा है तू? आई वॉन्ट यू ये वो जिम चैलेंजर्स हु हैव अर्नड आवरसेल्व्स अ ग्रास बैच, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेनिंग. मुझे दया आती है यार इस बच्चे पर सही में.
कभी कभी मन करता है मैं इसको बोलूँ ले बेटा 10 रुपए ले रोटी खा और मजे से निकल जा, पर नहीं इसको तो सैंडविच खानी है भाई 20 रुपए की। अब बोल रहा हूँ नहीं है इतने पैसे मेरे पास, क्या ना मेरे को हरा के पैसे मांगना चाहता है ये, पर इसके पैसे मैं ही ले जाता हूँ हर बार। लेट्स हैव अ टेस्ट ऑफ व्हाट आई डोंट नो। ओके लेट्स यूज, ओके लेट मी स्विच माय पोकेमॉन एक्चुअली वो ज़्यादा सही रहेगा। लेट मी टेक आउट माय रबूट, वो एक बार में वन शॉट कर देगा इसको। कम ऑन आउट रबूट, क्राउल कर दिया इसने। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं यार, इसके वही फटे पुराने पोकेमॉन है यार जो ये लाता रहता है, कुछ नया तो है नहीं जो मजा भी आए डिफीट करने में। और अरे यार हमेशा सेकंड वाले पे क्यों रह जाता है यार, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को। टैकल मार ले मेरे को, तो इसका टैकल बड़ा सही लगता है, पर वुलू का जो भी बोलो पूरा ऐसे घूम के फिर मारती है टैकल, मस्त लगता है ना यार तेरी वुलू और तू भाई सही में मतलब हद करते हो तुम लोग। इस बार मार देना चाहिए रबूट, बता रहा हूँ तेरे को मैं। बढ़िया बढ़िया, डराना पड़ता है मतलब थोड़ा डरा के रखना पड़ता है अपने पोकेमोनों को, तभी मानते हैं वो लोग ऐसे ना। पर फ्रेडी को मैं कभी कुछ नहीं करने वाला, चिंता मत करो भाई, फ्रेडी अपने दिल का दुलारा है, अब मेरे को जान से भी प्यारा है फ्रेडी। क्रॉविस स्क्वायर आ रहा है तो मैं निकाल लेता हूँ यैम्पर को। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टू ट्रेन हिम अप, बहुत अच्छा रहेगा। आ जा भाई यैम्पर, यार मेरे को तेरे को हील करना पड़ेगा शायद से, अभी तू ज़्यादा ही लो हेल्थ पे है, पर इसकी भी लेवल एक्चुअली काफ़ी कम है तो या फिर भी रिस्क नहीं लेता यार। मैं हमेशा पछताता हूँ अगर मैं नहीं करता ना, हमेशा पछताता हूँ मैं, तो मैं अभी मैं ये फ्रेश वाटर यूज़ करके इसको हील अप कर देता हूँ हॉट डॉग पोकेमॉन को। बढ़िया भाई यूज लियर, अरे तेरी लियर की ऐसी की तैसी, तो अभी रुक जा बेटे तेरा लियर निकालता हूँ मैं, अभी रुक जा। स्पार्क मरेगा नहीं है पर फिर भी डिसेंट डैमेज हो जाएगा, देखते हैं भाई क्या होता है। ये हमारी जान खा जा रहा है पहले तो, कर कर भाई जो कर सकता है। ओ भाई साहब यैम्पर को ना करो अंडर एस्टिमेट, इसने कर दिया सबको बेट। नहीं यार बना नहीं, FFG बनाते हैं मस्त मस्त शायरियाँ, हमसे ना हो पाता भाई, हमारा टैलेंट थोड़ी ना ये करना। बढ़िया भाई तुमने तो रैक कर दिया एकदम, एक लास्ट पोकेमॉन और बचा है इसका, आई डोंट नो हु दैट इज बट माइट जस्ट बी अ लुल्लू पुल्लू पोकेमॉन। हे ये क्या है थॉकी, ये मैंने कभी सुना नहीं यार, इसी को रखता हूँ मैं। एवरी वन ऑफ माई पोकेमॉन इज एन एस, दिस इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। थॉकी ओ मैं भूल गया था कि इसका ग्रुकी है, ग्रुकी का एवोल्यूशन ऐसा दिखता है क्या, सही है यार ऐसे देख लो भाई जैसा दिखता है ग्रुकी का एवोल्यूशन। सॉकी है उसका नाम, दो दो डंडी आ जाती हैं इसके बाद, मस्त है यार, सही है सही है। चलो फिर तो मैं स्विच कर लेता हूँ, अगर हो रहा है तो स्टार्टर वैसे स्टार्टर ही होना चाहिए ना यार। कलर हल्का सा बदल सा गया है इसका, देख ऐसा दिखता है मेरा पोकन, ऐसा दिखता है रबूट, कैसा लगा देखो रबूट। मेरे को फिर भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है पता है उससे, थॉकी से थॉकी होना चाहिए थॉकी। अरे बढ़िया रबूट, नाइस नाइस राउंड, कोई बात नहीं फिर भी रबूट जीत जाएगा। एंड देयर यू गो फॉर द विनिंग ब्लो, पैम और थॉकी हार गया, साथ ही में हॉप भी हार गया है, हम लोग ने मस्त वाला हराया इन लोग को। ओ नाइस यहाँ पर 23 का हो गया, एजिलिटी कौन सीख रहा है भाई हमें नहीं सिखाना। नॉइस नॉइस फ्रेडी, अरे मेरा प्यारा फ्रेडी भी लेवल अप हो गया, नॉइस फ्रेडी वेरी नॉइस। ओके गाइस यू गॉट इन स्ट्रॉन्ग ऋषभ, सीम्स आई हैव गॉट टू ट्रेन इवन हार्डर फ्रॉम नाउ ऑन, यू ऑब्टेन्ड अ रिवाइव थैंक्स, चिंदी चिंदी गिफ्ट देता रहता है मेरे को। नेक्स्ट अप इज नेसा द जिम लीडर ऑफ वाटर टाइप जिम, या मुझे सीरियसली अपने यहाँ पर को भी ट्रेन करना पड़ेगा यार, बहुत कम लेवल का यार,
21 का तो ये पुराने जिम लीडर का ही पोकेमॉन था यार, अगर मैंने अभी ट्रेन नहीं किया ना तो मैं बहुत बुरा फंसूंगा। यहाँ पर कोई तो रखा है मैंने आगे, किसको रखा है? यहाँ पर को नहीं रखा है मैंने, इसको रखता हूँ मैं आगे। 23 का हो गया एक्चुअली है, चलो ठीक है, डिसेंट ही है। कम से कम 26 तक का करना है मुझे जिम के अंदर घुसने से पहले। ओ ये क्या हो अभी, क्या उठ के आ रहा है यहाँ पर? मैंने यार एक हिडन आइटम देखा था किधर, चमक तो रहा था यार इधर कहीं पर। ये रहा ये रहा ये रहा रेजिस्ट फेदर। पोके से बैटल कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं मतलब क्या पता कुछ स्पेशल होता। अरे यार फिर से मैं ऑलमोस्ट भूल गया था ये जॉब करना। ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी जाता हूँ जॉब करता हूँ उससे करते हैं, पीसी से करते हैं वैसे। हाँ तो अगले टाउन में पहुँच के हो पाएगा वो, इससे पहले नहीं हो पाएगा। मैं अभी अपने दिमाग में रखता हूँ अभी, ठीक है। मुझे जॉब करनी है, मेरे को जॉब करनी है, जॉब 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 करनी है। ओ फीमेल वाला है यहाँ पे एक, अभी हमें इसको हराना पड़ेगा। चलो हरा देते हैं, उसमें क्या है, मैं स्किप करता हूँ बैटल लिया। ओ बाय द वे इज द चरूबी लुकिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि चरूबी जो है वो काफ़ी अलग लग रही है, मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं सच बताऊँ तो चरूबी पर मुझे लग रही है। और ऐसा क्यों हुआ कि मेरा क्रॉविस स्क्वायर पहले आया? मैंने तो यहाँ पर को स्विच किया ना, पता नहीं, पर मुझे ये जरूर बता रहा था चेरूबी ऐसी लगती थी क्या हमेशा से। हे इज अ पोकी बॉल स्पेशल अटैक्स नाइस। ओके हमें अभी बढ़ना है आगे, यहाँ पे ट्रेनर है यार। मुझे तुम लोग को एक चीज़ दिखानी थी वो वाली यार, चलो अब इसने चलो देख लिया हमें, तो बैटल कर ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। ट्रेनर टिप्स पोकन दैट अपीयर टू बी सराउंडेड बाय अ ब्रिलियंट ऑरा टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन अदर्स एंड व्हेन यू डिफीट देम दे ड्रॉप वॉट्स। It seems you become more likely to spot these brilliant Pokemon the more Pokemon you catch. हाँ मतलब 50, अगर तुमने 50 Pokemon से ज़्यादा डिफीट किया ना तो मतलब सेम स्पीशीज के, तो उस Pokemon के वो ऑरा वाले Pokemon मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। और हम लोग हलबरी में आ चुके हैं, नाइस। यहाँ पे वाटर टाइप जिम लीडर है ऑफकोर्स, ये फिर से वो एलिफेंट वाला Pokemon जिसका रहे मुझे अभी कुछ भी पता नहीं चला है। नाइस गाइस वी आर इन द नेक्स्ट जिम ना, और आज का एपिसोड तो काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलो मैं इस एपिसोड को एंड करूँगा विद द पोकन जॉब्स। लेट मी डू दैट फर्स्ट, पोकन को जॉब से भेज सकते हैं विच इज अमेजिंग। ओके तो मैं अभी फिलहाल के लिए मुझे बस यैम्पर को ट्रेन करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने थ्यूवेल को और फ्रेडी भाई तू चला जाएगा थोड़ी देर के लिए जॉब पे, ज़्यादा ज़्यादा देर तक नहीं जाना, थोड़ी देर के लिए। चेक पोके जॉब्स करते हैं। पोकेमॉन आर इन हाई डिमांड एज हेल्पर्स इन द गैलार रीजन एंड यू आर एबल टू सेंड योर पोकेमॉन योर ओन पोकेमॉन आउट टू हेल्प ऑन जॉब्स। द पोकेमॉन यू सेंड विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द एक्सपीरियंस द गेन। द जॉब पोस्टिंग्स विल बी अपडेटेड एवरी डे। गुड थिंग्स विल बिगिन टू हैपन इफ यू सेंड लॉट्स ऑफ पोकेमॉन टू मेनी जॉब्स, सो कीप एन आई आउट फॉर न्यू पोस्टिंग्स एंड हेल्प आउट एज मेनी एज यू कैन। ठीक है तो दो न्यू पोस्टिंग्स है, नोबडी कैन डिनाई दैट ग्रास टाइप पोकेमॉन आर द बेस्ट एट हैंडलिंग प्लांट्स, वी वुड बी ओवरजॉय टू सम कुड हेल्प अस आउट। तो इसको ग्रास टाइप पोकेमॉन चाहिए, मेरे पास ग्रास टाइप नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन, टुगेदर वी कैन मेक क्लोथ दैट यू कैन यूज इन एनी वे यू लाइक। नॉर्मल टाइप है क्या मेरे पास? हाँ नॉर्मल टाइप बॉक्सेस में तो है मेरे पास, जैसे कि ये हो गया एक तो, और क्या है भाई, और कुछ नहीं है मेरे पास नॉर्मल टाइप। एक तो यहाँ ये म्याउथ भी है, और नहीं है भाई। पीडफ भी फ्लाइंग टाइप हो गया अपना। नॉर्मल टाइप एक और था मेरे पास, कौन सा था वो? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये थ्यूवेल क्या डार्क टाइप है नॉर्मल टाइप? एक सेकेंड देखता हूँ मैं, डार्क टाइप ही है ना। हाँ भाई इतना ही है मेरे पास, अभी इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा एक ग्रास टाइप मेरे पास गॉसिफ्लर तो है वैसे। हाँ और फ्रेडी है अपना फाइटिंग ना, उसको भी नहीं भेज सकते यार। किसको भेजूँ किसको मैं अभी, यार समझ में नहीं आ रहा। एक और पोकेमॉन कौन सा चूज करूँ, कोई सा भी कर लूँ क्या? पिकाचू कर लूँ, चलो कर लेते हैं सेंड। तो दो नॉर्मल टाइप भेजे हैं मैंने, एक इलेक्ट्रिक टाइप भेजा है, होपफुली काम चल जाए यार। चूज हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट योर पोकेमॉन टू हेल्प आउट। वेरी लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट जस्ट लिटिल
हम लोग कर देते हैं होल डे, चलो होल डे कर देते हैं, ये सही रहेगा। जाओ भाई मजे करो, ठीक है, आराम से काम करना। ये बुकन वॉन्ट वेंट टू वर्क, दिल डू देयर बेस्ट। ओके यहाँ पे भी एक तो मेरे पास है ही ना, बुकन वॉन्टेड अप टू फोर, नाउ दैट इज क्रेजी यार, एक अप टू फोर तो मेरे पास नहीं है, एक तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो अपेरेंटली हम लोग इतने से नहीं काम चला सकते, तो हमें कुछ ना कुछ और सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो एक तो मैं थ्यूवेल की सोच रहा था, और एक मैं सोच रहा था कि मैं टॉक्सिल को भी भेज दूँ, अभी मैं इसको ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। और यार टॉक्सिल को एक्चुअली नहीं भेजता मैं, ये इन लोग को भेज नहीं सकते क्या? अच्छा ओके 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 ठीक है, तो फिर मैं ये जो बाकी पवन बचे इनको भेज देता हूँ बस, वो ज़्यादा सही रहेगा। Nice. इनको होल्ड के लिए भेज देता हूँ मैं। तो गाइस बेसिकली बस इतना ही होता है, ठीक है, पोकन मैंने भेज दिए, और मैं कल आके वापस से देखूँगा तो शायद थोड़े बहुत लेवल अप हो जाएं वो लोग। ओके सो दैट इज़ इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप तुम लोगों को मज़ा आया हो यार, हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया आज, हम लोगों ने फाफेस्ट पकड़ा, गलारिन फाफेस्ट, मज़ा आ गया, हमको बाइक मिल गई यार, बाइक तो सबसे औसम चीज़ थी भाई सच में, ये देखो भाई मस्त है ना, या मेरे को अभी यहाँ पे जाना नहीं है सच में, चलो हम लोग यहाँ पे बाद में जाएंगे, पर थैंक यू वॉचिंग गाइस, दैट इज फॉर दिस एपिसोड, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड वैसे लाइक भी मार देना, हाँ लाइक मार दिया, कटो यार, 8500 लाइक्स का एम रखते हैं, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।